Subscribe and click the bell icon for all the television updates. क्या कहना चाहिए आज की शाम को? बस आज की शाम बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि IndianTelevision.com यानी इंडियन टेली अवार्ड्स ने ये जो काम किया है कि पर्दे के पीछे लोगों को रिकग्नाइज़ किया है और इतने बड़े अच्छे से बड़े तरीके से सम्माननीय तरीके से उनको अवार्ड देने के लिए जो पेशकश की है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी होती है। क्योंकि एक एक्टर को स्टार बनाने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग अक्सर स्टार को याद रखते हैं और पीछे के पर्दे के पीछे के कलाकार को भूल जाते हैं। तो पर्दे के पीछे के जो कलाकार, एडिटर, डायरेक्टर, राइटर, मेकअप मैन, आर्ट डायरेक्टर, ये सबको आज अवार्ड मिलने वाला है, तो बहुत खुशी हो रही है। इसी के साथ साथ अजीत सर, काफ़ी एक स्ट्रेस लिया गया था डॉक्टर हाथी के किरदार को कौन निभाएगा, और फाइनली राइट चॉइस मिल गए, क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या ऐसे कुछ देखना चाहते थे आप जो निर्मल जी में आप लोगों को नजर? नहीं, निर्मल सोनी पहले भी ये शो का हिस्सा थे, ओरिजिनली वही हाथी प्ले कर रहे थे, तो वापस उनके ही भाग्य में आया, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर हाथी जो कवि कुमार आज़ाद को, तो हम हमेशा मिस करते रहेंगे, कुदरत के सामने हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्मल सोनी मुझे विश्वास है कि बड़ी बखूबी से ये कैरेक्टर निभाएंगे। और दिक्कत होती है क्योंकि एक परिवार की तरह हम लोग सब काम करते हैं, सारे किरदार 10 साल से मिलजुल के काम करते हैं, लेकिन 10 साल में अभी आगे चुनौतियाँ भी आएगी, तो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा न कर बैठूं कि मेरे दर्शकों को कुछ नाराज़गी हो जाए, तो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना पड़ता है। तो हाथी का जो डिसीज़न था वो बहुत ही थोड़ा स्ट्रेसफुल था कि डॉक्टर हाथी की जगह कौन लेगा, लेकिन ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है और निर्मल सोनी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और एवरी वीक तारक मेहता की टीम हमेशा चार्ट बस्टर रहती है, टीआरपी में आती है, कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर, वो हैप्पीनेस अगर आप जाहिर करें? देखो, सबसे बड़ी खुशी होती है कि 8:30 से 9 तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरे हिंदी 8:30 से 9 तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरे हिंदुस्तान को खुशियाँ बांटता है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हम लोग के लिए। और हम लोग सारे लोग, राइटर से लेकर डायरेक्टर से लेकर और सारे आर्टिस्ट, बहुत दिल से काम करते हैं, क्योंकि ऑडियंस भी इतना प्यार करती है, तो हमें भी अच्छा काम करने का प्रोत्साहन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, तो बस वही सोचते हैं कि हमारे दर्शकों को क्या नई से नई कहानी हम लोग दें, और इतना अच्छा शो मिला है कि पूरा हिंदुस्तान हंसता है। थैंक यू सो मच।